अस्सलामुअलैकुम, हिद्दत न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा। मुत्तहिदा अरब इमारात का फ़लस्तीनी बच्चों से मुतल्लिक बड़ा ऐलान। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने कहा है कि इसराइली हमलों में ज़ख्मी 1000 फ़लस्तीनी बच्चे इलाज के लिए यूएई लाए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने कहा है कि 1000 ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चों के अहल खाना भी मुत्तहिदा अरब इमारात लाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बच्चों को इलाज मुकम्मल होने के बाद वतन वापस पहुंचाया जाएगा। इमाराती वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के सदर से राबता करके ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चों को तिब्बी सहूलतें फ्राहम करने के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू की। इमाराती वजीर खारजा ने गजा में शहरियों के लिए खुराक और तिब्बी इमदाद की तरसील की ज़रूरत पर जोर दिया है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिदायत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।